हाय फ्रेंड्स, पूजा सुबह के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई एम श्योर आप सब ठीक होंगे। और आज परी की स्कूल में फंक्शन है, मतलब आज इन डांस मराठी कपड़ा पहन के जाना है, मतलब घंघरा चोली मराठी का जो लड़की का होता है या नववारी साड़ी, तो वही आज इनके पास। तो वो मराठी वाला घंघरा चोली नहीं है, नववारी साड़ी ही है, तो बोली कि वही पहना देती हूँ। और आज नवमी भी है, कन्या पूजन भी है। आज कन्या पूजा हवन, बहुत सारा पकवान बनेगा। तो पहले सबसे पहले तो मैं बोली कि इन लोगों को स्कूल छोड़ दूँ, आज लेट हो गए हैं, कुछ भी नहीं की हूँ अभी पूजा पर। आज हमका बस सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, मंडे ट्यूसडे को नहीं होती, बस हमके ट्यूशन की होती है। बैठिए हिलाना नहीं है अच्छे से, बच्चों को तैयार करना ना बहुत बड़ी मुसीबत है। नीचे देख, आराम से। नीचे देखिए बॉडी क्रीम हुमा चलता उसके किल्ला करने से। हाँ, मेरी परी तो तैयार हो गई, कितना क्यूट लग रही है ना? मैं तो क्यूट ही लगती हूँ। अब क्यूट ही लगते हो? पतलू? नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत ही प्यारी लग रही है। चले अब स्कूल चले, नहीं तो लेट हो जाएंगे। आज भी अभी तब तक जल्दी से सॉक्स और शूज भी पहन लेती हूँ। हाँ चले ठीक। अभी मैं सिर्फ नहा धोवा के निकल गई हूँ, कुछ की भी नहीं, क्योंकि आने के बाद बहुत काम है। बिना माता रानी के सिंगार के लिए तो हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं, तो पहले तो मैं इनको छोड़ के आ जाऊँ। चले मम्मा। हाँ बोली। ये बार बार गिर जा रहा। क्या गिर जा रहा? ये दुपट्टा। कोई बात नहीं, अब से करो ना पहले लगा। हाँ कर देती हूँ, आपको आदत नहीं है ना, तो गिरेगा ना अभी। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। हाँ ठीक, तो अभी मैं जा रही हूँ माता रानी का पूजा करने। बाबूलू को तो स्कूल छोड़ के आ गई, और यहाँ मैं माता रानी के चढ़ाने के लिए साड़ी सिंदूर बिंदी चूड़ी कंघे और ये सारा पूजा के सामान लेके बैठ गई हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, हवन मतलब सुबह नहीं शाम को होगा। अभी बच्चे भी स्कूल गए, उनके पापा भी ऑफिस गए हैं, तो बोले कि आएंगे उसके बाद हवन होगा। तो आराम से शाम के टाइम ही, मतलब कन्या पूजन के लिए तो सारे लड़कियों को बोलना पड़ेगा। अभी क्या है कि सब बच्चे स्कूल गए हैं तो आएंगे तभी होगा, तो मैं बोली अच्छा है कि शाम को आएंगे सब, तो मैं जाके सबको अभी बोल दूंगी कि मतलब शाम को आ जाए। और उसके बाद क्या, मैं बोली कि कन्या पूजन के लिए छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो खाना भी मतलब मैं उसी टाइम बनाऊँ ताकि गर्म रहे और अच्छे से बच्चे खा भी पाए। इसलिए अभी मतलब कुछ भी नहीं, अभी घर के ही काम कर लेती हूँ। अभी क्या है कि कलर करने के लिए भी आएंगे लोग, तो क्या करेंगे क्या नहीं, अभी धूल उल बहुत उड़ेगा, तो सिर्फ मैं बोली कि अभी पूजा कर लेती हूँ, जो भी काम है वो दोपहर के बाद मैं करूँगी। तो चलिए अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। यहाँ मैं कन्या पूजन के लिए हलवा पूड़ी और एक छोला चना का सिर्फ मसाला डाल के बनाई हूँ, और हलवा पूड़ी बनाई। उसके बाद मतलब इनके पापा आए तो उधर हवन का तैयारी कर रहे, ये बन जाएगा उसके बाद मैं भी तैयार हो जाऊंगी तो हवन होगा। तो मेरा ये खीर पूड़ी हलवा ये सब बन के तैयार हो गया है। ये ना हमारे की तैयारी हो रही है, मुझे पता है। इसमें ना घी डाला अभी और इसको अभी मिक्स कर दिया, मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है मम्मी, क्या कर रही हो? खीर पूरी बना रही बेटा। हाँ मुझे तो भूख लगी है, कन्या पूजन के लिए। हाँ मुझे तो भूख लगी है, पूजा हो जाएगा तो। देख ये रेडी हो गया, देख लीजिए एक बार। हाँ ठीक, ये रख देता हूँ, लकड़ी पे सरिया दिया हूँ। चलिए जल्दी जल्दी आइए। ये देखिए रखी कैसे सजा है, ये क्या बार बार ये गिर जा रहा था ना रखी। हाँ ये बार बार हो गया, फिर भी पापा ने कोशिश लगाते लगाते हो गया।
मैं वो ऑटोई पेपर की मंगा पेपर इसके लिए मंगा। वाह भैया ठीक हुई बन गया। तो उसके बाद मैं मतलब साड़ी पहनी तैयार हो गई और फिर हम लोग आए हवन करने। तब तक मेरा मोबाइल खराब हो गया, वीडियो नहीं बन रहा है। फिर आरती के लिए उसके बाद हमने कन्हैया के बुलाने के लिए भेजे बच्चों को, संग में मिल के आरती के लिए बच्चे मेरे गए कन्हैया सबको बुलाने के लिए। बुला के लाए उसके बाद सबसे अच्छी बात है मतलब मेरे बेटा ने बहुत हेल्प किया, उनके पापा ने भी मेरा बहुत हेल्प किया, ये लड़की भी बहुत अच्छी है। क्या बताऊँ आज सब मतलब शाम के आने के बाद सब मिलजुल के लिए तो पता ही नहीं चला कब सब मतलब हो गया पूजा और अच्छे से संपन्न भी हो गया मेरा पूजा। तो यहाँ मतलब हम सब मिल के आरती किए। देखिए मेरे बाबू आरती करता है, उसके बाद मेरी लड़की लेती है, वो अपने पापा को भी देती है कि आरती कीजिए। फिर कन्या आई तो उनके सबसे पहले मैं सारे कन्या का सबसे पहले पांव धुले, उसके बाद एक एक करके सबको पांव धुले। पांव धोने के बाद उनको पांव में आलता लगाए, उसके बाद माथे पे हल्दी चंदन, और उसके बाद उन लोग को मतलब आसन पे बैठाए। बैठाने के बाद मतलब सबको बैठाए तो सब बड़का जल्दी कीजिए आंटी जल्दी कीजिए, इन लोग को क्या है कि बड़का ट्यूशन जाना है तो बड़का जल्दी कीजिए। और इधर सबसे बड़ी बात है कि बच्चे मतलब सिर्फ पूड़ी खाते हैं, हलवा भी खाते पर बहुत कम, खीर तो बिल्कुल नहीं खाते। लेकिन मैं बनाई थी तो बोली थोड़ा थोड़ा ले लो, तो मतलब सबने बात रखी थोड़ा थोड़ा खाए। इधर बिल्कुल खीर नहीं खाते हैं और जाने के लिए जल्दी बेचैन करते हैं, इधर इतना टाइम नहीं लगाते लो। लेकिन मेरे घर आते तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन सब प्यार से बैठे और सब मतलब प्यार से अच्छे से खाना खा के गए। खुशी की बात तो ये होती है कि पहले दोनों बच्चे गए तो गोल हो गए, मतलब कन्या ही इन लोगों को नहीं मिल रही थी, जब मिली तो धीरे धीरे मतलब सब आने लगे। इतना अच्छा लगा कि जैसे जैसे सब खा रहे थे खाना खिलाई सबको, उसके बाद धीरे धीरे और आने लगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे मतलब होता है मेरे साथ। तो यहाँ सब मिलके हम लोग प्यार से खिलाए, मैं सबको दे रही थी तो मेरे बाबू भी आके वो भी प्यार से सबको दे रहे कि नहीं मैं दूंगा मैं सबको खिलाऊंगा। मुझे ठीक है चलो अब भी मेरा हेल्प कर दो यहाँ पे वो भी खिला रहे, तो अच्छा लगा मुझे। और सबने इतनी प्यार से खाई, यहाँ पे एक छोटी सी कन्या मिल गई मुझे तो मतलब बहुत अच्छी लगी वो भी। तुम मतलब उसका थोड़ा सा मन भी ठीक नहीं था, फिर भी बोले तो थोड़ा बहुत खा लिया और इतने प्यार से मतलब बैठी थी क्या बताऊँ आपको। और बाद में बोली कि नहीं ये दीजिए वो दीजिए, अच्छे से खाई। बहुत अच्छा लगा इन सबको मतलब देख के और अच्छे से खा पी के गए, तो अच्छा लगता है ना ये सब करने में। और आप लोग बताओ मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, है ना। कुछ सामान बच्चों को गिफ्ट देने के लिए लाई थी वो कम पड़ गया था, तो इनके पापा फिर गए लाने, और इसके लिए वो बाकी का सीन है जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि मोबाइल लेके चले गए थे और मेरा मोबाइल बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, वो अपने आप बंद हो गया है। मतलब चालू भी खुद हो रहा है बंद भी खुद ही हो रहा है, कुछ कल ही काम नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है मोबाइल के साथ क्या नहीं। इसलिए मतलब इतना ही सीन रिकॉर्ड हुआ, इतना ही मतलब छोटा सा क्लिप मिला, उसके आगे का तो मिला ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हम लोग मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया, मतलब हवन भी कन्या पूजन भी। मतलब हम जब भी कन्या पूजन करते हैं तो पहले तो कन्या नहीं मिलती है, आज जब मतलब शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे मतलब कितना अच्छा होता है, धीरे धीरे अपने आप कन्या बढ़ जाती है। तो कन्या पूजन हो गया, उसके बाद मतलब अभी किचन में तो इतना सारा बर्तन पड़ा है धोना है। और मतलब एक दीदी को भी बुलाई थी खाना खाने के लिए तो बाहर चले गए, बोले कि मैं मतलब अभी क्या मेला सही दशहरा का जो होता है वो देखने गए तो देख कर आएंगे, तो बोली कि आने के बाद खाना खाएंगे मतलब प्रसाद है कि अपना ले लेंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ बर्तन धोने, ये चलेंगे अपना पढ़ाई करने। लड़की तो सो गई थक गई है बहुत भाग दौड़ की तो सो गई,
तो आज का हम अपना ब्लॉग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।